BTR के प्लेयर्स के व्हीकल को फोड़ने के लिए। अब देखते हैं। एग्जैक्टली एंड और एक बात ये है कि जैसे आईशॉट्स इस वक्त दिख रहा है, ये लोग टू मैन है तो आई बिलीव ये लोग एज ऑफ द जोन खेलने वाले, बट राइट नाउ आईएनडी ने यहां पे एडवांटेज ले लिया है। दे हैव टेकन डाउन वन प्लेयर फ्रॉम आरआरक्यू एंड अब वो लोग अपने आप को पोजीशन करेंगे फॉर अ प्रॉपर 4v4 फाइट। क्या ये 420 का नेड D2E को टेक डाउन कर सकता है? बट देन वी हैव स्लेयर विद अनदर M24 शॉट दैट वाज ब्रिलियंट एंड बैकफुट पे फिलहाल आ चुके हैं बिकॉज ट्रांस डाउन हो चुका है। स्टिल इट्स अ 3v2 सिचुएशन आई गेस। अभी भी रिवाइव देने का प्रेफरेंस देंगे आरआरक्यू पहले अपने दोनों प्लेयर्स को एंड देन वो लोग आईएनडी पे अटैक करेंगे बिकॉज बहुत ही अच्छा कवर फायर बट अर्नी उनके आग के सामने एंड नाउ इट्स ओनली वन प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम आरआरक्यू जो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इन लोग के लिए। ये सिचुएशन टू प्लेयर्स एक्चुअली रिवाइव दे दिया गया था G9 को बट दे आर इन दी ओपन। स्नैक्स हैज बीन टेकन डाउन, 420 has been taken down. So now it's Slayer versus 2 and this is going to be very difficult because BR11 yahan par push kar rahe hain Slayer ki taraf. Will he be able to take down one of them and apne aap pe apne haathon mein kisi chance nahi, ye hame dekhne milega because this is a very risky move and right now it is very difficult. IND is being eliminated at pe scout ek aur kill apne liye secure karte hue and Z-God aur Cells TSM and Cells ke beech mein bhi ek fight ho chuka hai as you can see aur dekhte kya hota hai because TSM बहुत अपर हैंड पे फिलहाल, उनके पास जोन का एज भी है, प्रॉपरली पोजीशनड है वो लोग। जोनाथन वहां पे अपना किल सिक्योर करेगा एंड देयर यू कैन सी BTR हैज बीन एलिमिनेटेड बाय वैल। बिल्कुल थर्ड पार्टी होती हुई नजर आई टीम सेल्स। ऑरेंज रॉक की स्काउट वापस से नॉकडाउन करेंगे अल्ट्रॉन। हमको तो ऑरेंज रॉक से सिर्फ स्काउट ही नजर आ रही है, DMR जिस तरीके से चला रहे मिनी 14 के मल्टीपल नॉक्स मल्टीपल फिनिशेस देखने को मिले बट KOG का स्कॉटिंग के बहुत ज्यादा पास है। एक स्क्वाड हाउस रहेगा एक बट ऑरेंज रॉक के मार्बी नॉकडाउन देखिए बॉक्स के ब्रेक के मिनी 14 के सिंगल डैप स्क्वाड बट सामने RCS का स्क्वाड भी है जिनके पास वो टॉवर वाला एरिया जहां पे कुछ कंक्रीट फेंस आपको देखने को मिलेगी बट नियो ने नॉकडाउन करे T1 के मिसाइल को। इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी जहां पे क्लच गॉड नॉकडाउन, अब उनको बचाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज अब जोन शिफ्ट लेगा और बहुत ही बुरा शिफ्ट जहां पे 30 सेकंड मात्र आपके पास बचेंगे बट जोनाथन ने यू लेवल अप के विंटर को पूरा फिनिश कर दिया और मात्र 9 टीमें बची हुई है। मिसाइल भी ऑलमोस्ट नॉकडाउन होता नजर आया बट गैलेक्सी सेल्स की MJ का चार्ट आ जाएगा और यूडू का स्क्वाड भी अब फिनिश होता हुआ नजर आएगा। T1 के प्लेयर्स ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए अब जोन के अंदर आएंगे बट किस चीज के सामने वाइल्डनेस का स्क्वाड ऑरेंज रॉक का स्क्वाड है सामने KOG भी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के पास एक और टीम है जो T17 का स्क्वाड जो प्रेशर डाल रहा है बट क्लच गॉड को बचा लिया गया है। जी गॉड उनके बहुत ही ज्यादा पास है। बहुत ही एक लैटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस बार जो सर्कल यहाँ पे TSM एंटिटी और यूडू गैंग को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। T1 के प्लेयर्स ऑलरेडी ऑरेंज रॉक के चपेट में आ चुके हैं बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को इस बार सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। जो वर्ल्ड लीग के फाइनल्स के हम लोग सर्कल्स देख रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े कर्वबॉल्स थ्रो कर रहे हैं बट मीनवाइल यहाँ पे गेल ने KOG के कॉन्सेप्ट को नॉक कर दिया है। नॉक ऑरेंज रॉक को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके बिल्कुल बगल में ही आ रही है टीम KOG बट आर्मजॉन ने यहाँ पे CZP को नॉक किया बट सेडेड का यहाँ पे शानदार स्प्रे जाता हुआ नियो को नॉक कर बैठे। Z-God भी यहाँ पे काफी लो HP पे देखना पड़ेगा बट Sadeen को ऊपर से आता हुआ नॉक यहाँ पे। TSM Entity के Jonathan इकलौते बचे थे अलोंग साइड Z-God, ये दोनों प्लेयर्स को भी जाना पड़ेगा नियो को किसी भी प्रकार जिंदा करने के लिए बट आप देख सकते हैं मैप पे KOG नॉर्दर्न साइड पे चले जा चुके। Jonathan ने यहाँ पे Sadeen का किल कंफर्म कर दिया, Yonjo ने Valdez के Bellbot को नॉक कर दिया बट मा भी यहाँ पे बॉक्स के पेमे का किल कंफर्म करेंगे। उनके पास हेलमेट नहीं है, आप देखते हैं किस तरीके से बॉक्स का स्क्वाड की जो फाइट है वो पूरी ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज अब देख सकते वीरू का ग्रेनेड रीबाउंड होके नीचे गिरा, अच्छा होगा उनके स्क्वाड हाउस की विंडो के अंदर नहीं गिरा वरना तो एक और कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है बट मल्टीपल ग्रेनेड जरूर फेंके जाएंगे बॉक्स के प्लेयर्स के। एक एयर ड्रॉप का मात्र कवर है उनके पास, अगर इतना ओवरकुक नहीं होता तो तीनों प्लेयर फिनिश हो सकते हैं। एक ही ग्रेनेड था बट लुइस उस ग्रेनेड के ऊपर वॉक शूट करते नजर आ रहे हैं बट अब देखते हैं बॉक्स का स्क्वाड ब्रेक देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे वाली फाइट बट ये स्क्वाड हाउस के पास होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है बट स्काउट वापस से एक ओपनिंग निकालेंगे गैलेक्सी रेजर सेल्स के अल्ट्रॉन हो जाएंगे नॉकडाउन। स्काउट बालकनी में आ चुका है, ये वाला ग्रेनेड फटेगा स्काउट के सर के पास और देखना पड़ेगा यहाँ पे बॉक्स के पास। अब यही एक मौका है कि दे कैन पुश इनसाइड द जोन एंड सिक्योर दी स्किल्स बिकॉज जोन के बाहर इस वक्त अगर कोई नॉक होता है तो उसके लिए रिवाइव होना बहुत डिफिकल्ट है एज जोन हमारा क्लोज इन होने वाला है और क्लोज इन हो रहा है एंड बॉक्स यहाँ पे फिलहाल अपने टू मैन के साथ ओआर पर पूरी तरह पुश करते हुए स्काउट हैज बीन रेव्ड बट देन और नेट जा रहे हैं एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ अगर कोई प्लेयर नॉक होता है ओआर का तो अब यहाँ पे मुश्किल होगा बचना बट बॉक्स फिलहाल के लिए तो जोन के अंदर प्रोग्रेस करने में सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल ह्यूगा है जो बॉक्स के एक नए प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं बट ह्यूगा को क्या स्काउट लॉकडाउन कर सकते हैं, दोनों की सिमिलर एज पे बट जोन का डिसएडवांटेज लेकर स्काउट आ गया M249 के स्काउट यहाँ पे पूरा स्पॉट फिनिश करेंगे एंड इसके चलते स्काउट भी हो जाएंगे फिनिश पीछे से मल्टीपल शॉट्स आएंगे। Z-God
ऑरेंज रॉक के स्काउट को नॉकडाउन करके प्लीज जोन से नॉकडाउन नहीं हुए थे बट अब प्लीज जोन से फिनिश जरूर हो जाएंगे बट ऑरेंज रॉक के दो प्लेयर बचे हुए हैं मावी और गिल देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेंगे बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के एमजे आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं ईच एंड एवरीवन इज काउंटिंग ऑन हिम बट क्यों जगह स्क्वाड थ्री मैन स्क्वाड वो लोग हैं टीम टीएसएम एंटिटी और तीन प्लेयर उनके पास है मल्टीपल किल्स उन्होंने फाइनल सर्कल में निकाले नौ किल्स टीएसएम एंटिटी के पास है ऑरेंज रॉक विद द सेम नंबर ऑफ किल्स लाइक टीएसएम एंटिटी एमजे अभी बैकपैक फेंक के बैंडेजेस जो आखिरी कुछ हीलिंग यूटिलिटीज उनके पास है वो यूज करने की कोशिश कर बट फाइनल सर्कल आपको देख रहे हो टॉप फाइव टीम बेस्ट टेन प्लेयर्स आपको बेस्ट फाइनल सर्कल में खेलते हुए नजर आएंगे 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं छठा जोन चल रहा है 30 सेकंड के बाद आपको देख रहे हैं बट ऑरेंज रॉक के मावी नॉकडाउन हो जाएंगे टीएसएम एंटिटी नियो के द्वारा और केओजी के प्लेयर्स के पास सर्कल बहुत ही शानदार फेवर करता हुआ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहां पे ऑरेंज रॉक को स्पॉट कर चुके हैं यहां पे काफी ज्यादा दबाव में आ चुके हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स रिचर्ड स्कारलेट के वेब भी यहां पे दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं सबको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा टीएसएम एंटिटी को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा केओजी के प्लेयर्स यहां पे एक अच्छा खासा चिकन डिनर निकाल सकते हैं हाई ग्राउंड मेंटेन कर रखे मावी भी यहां पे नॉक होके पड़े गेल उनको रिवाइव भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अगर रिवाइव के लिए जाएंगे अगर किसी भी प्रकार से मावी को फिनिश आए ऐसा गेल पे शॉट्स आते तो दिक्कत हो जाएगी ये मैच ऑरेंज रॉक के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है किल्स अच्छे खासे निकाले बट पोजीशन भी अच्छा निकालना पड़ेगा टॉप 3 फिनिश हम लोग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं अभी यहां पे लाइव रैंकिंग्स देखने को मिल रहे अभी पांचवें पायदान पे बट यहां पे स्टेप अप जरूर करना पड़ेगा टॉप 5 टीम्स में से अकेली ऑरेंज रॉक ऐसी टीम है जिनके पास 208 पॉइंट्स और वो लोग अभी भी जिंदा है बट यस यही बात करते बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे यहाँ पर मैन पावर का होना सबसे ज्यादा जरूरी था बट ऑन द अदर हैंड वी कैन सी टीएसएम एंटिटी आर गोइंग ऑल आउट अटैक बिकॉज थ्री पावरफुल तीन मैन गन पावर है अब उनके पास एंड देर गोना मेक श्योर कि अब वो लोग सबसे ज्यादा किल्स उठाएं बिकॉज 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड सेल्स वहां पे एक तरीके से एंटिटी को बहुत अच्छा असिस्ट दे दिया उन्होंने बाय नॉकिंग डाउन वन प्लेयर और आई बिलीव ये गेम अब मुझे जहां तक लग रहा है एंटिटी के हाथ में है जोनाथन विद 5 किल्स एंड इसी के साथ आई गेस सेल्स का जो एमजे है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बट या देयर यू गो केओजी हैव टेकन देम डाउन और अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है और इट्स अ 1v3 सिचुएशन फॉर कॉन्सेप्ट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बट लेट्स सी क्या होता है नियो वहां पर नॉक होते हुए एंड नाउ इट्स अ 1v2 सिचुएशन spotted and the chicken dinner goes for TSM entity बिल्कुल बट फाइनल सर्कल में जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनाई थी केओजी के प्लेयर्स ने वो चिकन डिनर निकालेंगे बट टीम टीएसएम एंटिटी अब ओवरऑल स्टैंडिंग में क्या टॉप 5 के अंदर आ पाएंगे एक वो क्वेश्चन रहेगा जरूर बिकॉज ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑरेंज रॉक ने भी बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिखाया है देखते कितना वो लोग ऊपर जा पाते हैं बट इट विल बी अ क्वेश्चन ओवर देयर बट मॉडल कैसा लगा फर्स्ट मैच अभी वीरू के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि तीन किल्स अपने निकाल सकते हैं अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया था बट नॉक देखने को मिला सामने से रिटेलिएशन फायर आते हैं जरूर डैमेज दोनों प्लेयर के दिए स्काउट को भी अच्छा खासा डैमेज दिया एक लो टॉस ग्रेनेड क्या देखने को मिलेगा बट ओवरहैंड ही उन्होंने ट्राई करा है जस्ट इन केस वहां पे वो रीच आउट ना करे बट डैमेज के मामले में बात करें ग्रेनेड बहुत ज्यादा फटा था बट इतना डैमेज नहीं दिया बट सक्सी एक फ्लैंकिंग पोजीशन अपने लिए बना चुके हैं बट फ्रेडो नॉकडाउन करेंगे वैल्डस के मार्टिन को गोडार्ड भी नॉकडाउन हो जाएंगे यू लेवल अप के विंटर के द्वारा थर्ड पार्टी देखने को मिलते हैं वहां पे बट यू लेवल अप के प्लेयर के पास एक हाई क्राउड एडवांटेज है बीआर 11 नॉकडाउन हो जाएंगे बट ये फाइट वैल्डस के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है टॉप 6 टीम्स हमारे पास जिंदा है ऑरेंज रॉक के तीन प्लेयर अभी भी उसी डिप के पास टाइम थोड़ा सा डिले कराने की कोशिश कर रहे बिकॉज बीटीआर के प्लेयर्स के पास अभी कोई मौका नहीं रहेगा बट आरसीएस के प्लेयर्स भी यहां पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे डिप इंपॉर्टेंट लेकिन डिप के ऊपर की हिल भी इंपॉर्टेंट बच जाती है यहां पर क्योंकि जो टीम हिल के ऊपर है वो यू लेवल अप और वो प्लेयर स्किल्स निकाल रहे हैं मावी ने वहां पर लक्ष्य को टेक डाउन कर दिया बीटीआर ऑलरेडी यू लेवल अप से फाइट ले रही थी लेकिन ऑरेंज रॉक को पता चल चुका उनके सामने कहां की फाइट है वीरू आगे जा रहे हैं मोनोटॉप्स किए जा रहे हैं ऑरेंज रॉक के द्वारा क्या ऑरेंज रॉक बीटीआर को यहां पर वाइप कर पाएगी देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहां पर ऑरेंज रॉक के डायरेक्शन से और मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है गिल ऊपर जा चुके हैं मावी ऊपर जा चुके हैं स्काउट राइट एंड साइड से वीरू राइट एंड साइड से बीटीआर के लक्ष्य को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहां पर लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे ऑरेंज रॉक इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाए लेकिन साइड से ग्रेनेड आएगा राइजन का जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है और जोन के एकदम एज पर स्काउट को एक पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा जोन और आगे होता स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने उनको पता था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा दैट्स इट एंड यहाँ पे मावी एक प्लेयर को डाउन करते हुए एंड नाउ इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर बीटीआर बिकॉज 4v2 का सिचुएशन हो चुका है एंड एक और प्लेयर को मावी डाउन करेंगे दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मावी और अब यहाँ पे हो चुका 4v1 स्काउट डाउन होते हुए कैन मावी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन ओआर गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है विल
this be able, will Mavi be able to clutch it? No, Orange. But then Ryzen with that 1v3 clutch on Orange Rock, आखरी में थर्ड पोजीशन पे आउट करते हुए आखरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोगों को, बट BTR के पास 13 किल्स है, राइजर विद दोस 8 किल्स, क्या U2 के सामने 1v3 का क्लच निकाल पाएगा, बट ही वाज 1 HP ओवर देयर, एक पिक्सल में उन्होंने वापस से कोशिश जरूर करी थी, बट U2 का स्क्वाड उस वाली फाइट में सबसे ऊपर था, बट जिस तरीके से ऑरेंज रॉक ने फाइनल सर्कल में चो करा, उन्होंने सिर्फ बग्गी पे बैठा है, पानी के अंदर से एक नेट फेंका, सिक्योरिंग हिम 4 किल्स, बट देन टॉकिंग अबाउट TSM, दे अगेन लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा एज पे थे वो लोग, बट ऑरेंज रॉक स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्ग, INT हैव बीन वाइप्ड आउट ओवर देयर एट 10th पोजीशन, और जैसे कि आप देख सकते हो इस वक्त जो हमारा वेस्ट साइड ऑफ द जोन है कंप्लीटली खाली है, अगर जोन वहां खिंचता है तो ये जो है कि काफी सारे किल्स होंगे, एंड देयर यू कैन सी वहीं पर खींचा है काफी हद तक जोन, तो अब बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज यहाँ से जो टॉप 5 का सफर है वो बहुत सारे टीम्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स यहाँ पे उनके ठीक सामने यू लेवल अप की स्क्वाड मौजूद है, बट ऑरेंज रॉक इनके चारों प्लेयर्स अभी भी जीवित, बट जाने के लिए सर्कल के अंदर अभी भी RR की उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। टीम INT के स्नैक्स अभी तक काफी देर तक सर्वाइव कर रहे थे, बट वो भी फिनिश हो गए थे, बट यू लेवल अप के प्लेयर्स अगर चाहे तो ऑरेंज रॉक का ड्यूरिंग रोटेशन उनको पकड़ सकते हैं, स्काउट ने ऑलरेडी उनको स्पॉट कर रखा है और यहाँ पे स्प्रे डाउन जरूर दे रहे, बट जस्ट पुश ओवर करेंगे, बट मवी का यहाँ पे रॉक्स के ऊपर एक अच्छा नॉक आता हुआ, हर एक किल ऑरेंज रॉक के लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। आतंकी क्या यहाँ पे आई गेस स्मोक करना चाहेंगे, क्योंकि अंदर आने के लिए उनको कुछ कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा, बट वीरू का यहाँ पे नेड आ चुका है, रॉक्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। गैलेक्सी रेसर्स के आतंकी आखिरी प्लेयर जिंदा है, D2E ने वहां पे वाल्डस के गॉड आर्ट को नॉक कर दिया, तो RRQ के पास एक बेहतरीन मौका है यहाँ पे एक चिकन डिनर निकालने का, और जो पॉइंट्स टेबल में जो हलचल है वहां पे भी अपना नाम ऊपर करने का, सेडन इन द मीनवाइल शाइडर को नॉक करके फिनिश कर चुके हैं। अब देखते हैं सेडन और सिनर्जी के आखिरी के प्लेयर्स के साथ क्या फाइट होता है। एग्जैक्टली RRQ यहाँ पे आर इन द बेस्ट पोजिशन, जब तक RRQ पे कोई पुश ना करे उन लोग के लिए आई गेस ये बहुत ही अच्छा पोजिशन रहने वाला है। OR वहां से सामने से रोटेट करते हुए और सेंटर में अपनी जगह सिक्योर करते हुए, सिर्फ मेगा का एक प्लेयर है वहां पे जो उनको प्रॉब्लम दे सकता है, बट आई डोंट थिंक सो वो देगा, बट OR ने यहाँ पे ब्रिलियंट मूव किया है और यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं, 5 किल्स एंड ऑलरेडी टॉप 10 पोजिशन विद सेंटर ऑफ द जोन, काफी सारी टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी वाइप आउट होने वाले, बट इफ RRQ डिसाइड्स टू पुश ऑन देम तो मुश्किल हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो वो लोग पुश करेंगे बिकॉज काफी सारी टीम है जो रोजॉक के अंदर है यहाँ पे, और वो लोग मुश्किल कर देंगे RRQ का बाहर निकलना, बट देन मेगा स्वैग अभी भी जिंदा, एंड ही हैज बीन स्पॉटेड बाय RRQ, बट वो किल जाता है वाल्डस के तरफ, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। टॉप 6 टीम्स रिमेनिंग, 17 प्लेयर्स रिमेनिंग, विंटर भी वहां पे मेरे ख्याल से हील बैटल कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा वहां पे बचना। OR अपने लिए ऑलरेडी 7 किल्स ले चुके हैं, एंड आई गेस ये चिकन डिनर मुझे काफी हद तक OR के हाथ में आता हुआ दिख रहा है, 4 मैन स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा गन पावर, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। सेडन का पोजीशन ऑब्वियसली OR को पता है, RRQ इज द ओनली टीम जो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन लोगों की टफ सिचुएशन लाएगी, बट ZZP को भी वहां पे टेक डाउन करते हुए, एंड T1 हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड, बट यहाँ पे G9 आते हुए और एक नेट पुल ऑफ कर रहे हैं, लेट्स सी OR क्या ये सिचुएशन को डील कर पाएगी, एक प्लेयर है सिर्फ वहां पे चारों के लिए मुसीबतें खड़े कर रहे, BRL वहां पे आते हुए उनको सपोर्ट देने के लिए हाइट एडवांटेज भी है, बट OR यहां पर अब थोड़ी सी मुसीबत में, दे जस्ट हैव टू सर्वाइव दिस सिचुएशन बिकॉज काफी सारे टीम्स वाइप आउट होने वाले जोन से, वाल्डस भी इस वक्त जोन के अंदर आ चुकी है एक हद तक, एंड टॉप 3 टीम्स ओवर हियर, वाल्डस टोटली वाल्डस वहां पर सप्रेस हो चुके, बट OR के ऊपर फिर से जोन बनता हुआ, RRQ यहाँ पर अब अगर OR RRQ का एक या दो प्लेयर भी डाउन कर देती है तो चिकन डिनर मुझे दिख रहा है उनके पास आते हुए, लेट्स सी क्या होता है बिकॉज यहाँ पे वाल्डस भी अब पुश इन करना चाहेगी जोन के अंदर धीरे धीरे, डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज RRQ को यहाँ पे दो टीम से लड़ना है, और OR भी जैसे कि आप देख सकते वीरू वहां पर हम जोन को नॉक करते हुए, एंड नाउ इट्स गोना बी इजी, स्काउट ने वहां पे एक ब्रिलियंट मूव किया, जोन के एज पे चले गए, अब वो RRQ को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे। 4v4 की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, मार्टिन ने RRQ के D2 को डाउन कर दिया, वाल्डस के प्लेयर्स को पता है किस तरीके से पैड यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, लेकिन RRQ के प्लेयर्स अपर एरिया होल्ड करके बैठे, वेलमॉथ गोज डाउन, ऑरेंज रॉक बेहतरीन किल्स निकालने की शुरुआत कर चुके, मार्टिन भी डाउन है, प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन RRQ एक बहुत बड़ी दीवार यहाँ पर ऑरेंज रॉक के सामने बनकर बैठेगी, वाल्डस के प्लेयर्स पहले उस दीवार को खत्म करना चाहेंगे, और वाल्डस के प्लेयर शुरुआत कर चुके हैं, 3 टीमें अभी भी बची हैं, RRQ के एक प्लेयर अभी भी जिंदा है, D2 को रिवाइवल चाहिए होगा, बट ऑरेंज
रॉक के पास मौका है प्रेशर बनाने का। वीरू रिवाइव हो चुके हैं, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहां पर निकाल सकते हैं। एक चिकन डिनर आ सकता है, मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे। वाइल्डनेस के प्लेयर्स, वाइल्डनेस द मर्डरर्स यहां पर मर्डर हो सकते हैं बिकॉज ऑरेंज रॉक के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज रॉक जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज रॉक के मावी 3 किल्स है, टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहां से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वेल्डनेस गेट्स एलिमिनेटेड, आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज रॉक, एक फाइनल फाइट यहां पर है। स्मोक के एरिया के बीच में आरआरक्यू के प्लेयर्स है, बट ऑरेंज रॉक की जो जंप से, ये जीत की जंप से यहां पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है, एक प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है। D2 फर्स्ट शॉट लगा रहे हैं यहां पर, M4 को रीलोड किया जाएगा। G9 के पास कार है, बट गिल उनके बिल्कुल सामने है। गिल वहां पर D2 को लेकर जा चुके हैं। वन प्लेयर 14 एंड 20 एंड देयर ही गोस ऑरेंज रॉक, गेट्स दैट सेकंड डिनर। Oh my goodness, Orange Rock की क्या decision making? 2 chicken dinners है वहाँ पे, और अगर बात करें सबसे ज्यादा kills भी अभी Orange Rock के पास ही है। But पीछे second पर चल रही है RRQ, थी ना 253 points, फिर Bigatron के against Orange Rock का gap जो है, I have to say वो एक decent gap है, क्योंकि 249-264 वहाँ पे थोड़े distance ज़्यादा। Box gaming का squad हो जाएगा यहाँ से eliminate। RRQ के Bear 11 को किसी भी प्रकार यहाँ पे बचना पड़ेगा। U level up के Winter यहाँ पे first aid लगा रहे, रैंगल में देखा एक शानदार 2000 IQ ग्रेनेड उनके तरफ से देखने को मिला था, बट अर्नी बियर 11 ये दो धुरंधर अभी भी छोर पकड़े हुए। विंटर का एक लॉन्ग हाई टॉस ग्रेनेड जा रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर रहेगा आरआर, क्योंकि कोई भी प्लेयर को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बट फिलहाल सर्कल की यहाँ पे बात करें तो वाइल्डनेस का एक बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पे चिकन डिनर निकालने का। मीनवाइल स्वैग यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, आम जॉन को यहाँ पे फिनिश कर दिया है, फिर भी यहाँ पे बॉसजा को नॉकआउट कर चुके हैं। सिनर्जी के धुरंधर यहाँ पे 6 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मेगा स्टार्स के 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक पड़े, मेगा स्टार्स काफी खतरे में। यहाँ पे यू लेवल अप की टीम भी एलिमिनेट होते हैं, वन ऑफ द टॉप रेटेड टीम्स टॉप 4 में चले हैं। मीनवाइल वहां पे गॉडार्ड ने बीटीआर के जक्सी को पिक ऑफ किया, केओजी ने वहां पे आरआरक्यू को एलिमिनेट कर दिया एंड आरआरक्यू गोस डाउन, जो वहां पे नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर रही थी। ओआर के लिए अभी भी चीजें काफी सही लग रही है बिकॉज उन्होंने काफी बेहतरीन लीड ले रखे थे। मीनवाइल यहां पे अगर हम बात करें एसजी की, तो एसजी यहां पे टीम सीक्रेट पे शॉट लेने की कोशिश टेड की तरफ से। एसजी अभी भी 3 मैन स्ट्रॉन्ग टॉप 7 टीम्स पे आ चुके हैं। 19 प्लेयर हमारे साथ अभी भी बचे हैं, देखते हैं गेम किस तरफ का रुख लेगा, किस तरफ का मोड़ लेगा। बिकॉज राइट और लास्ट सेकंड में मेगा एसजी बीटीआर आरसीएस वेल और केओजी हमारे पास 7 टीम बचे हैं। जोन कंप्लीटली बीटीआर की तरफ जाते हैं, पर बीटीआर यहां पे काफी ज्यादा ट्रबल है। माइक्रो वहां पे पिकअप हो चुके हैं, मार्टिन चाहे तो बीटीआर के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, पर मेगा साथ एट द सेम टाइम एसजी की तरफ से एलिमिनेट होते हैं। आई थिंक टीम सीक्रेट की टीम भी इसी के साथ एलिमिनेट हो जाती है। मीरामर के गेम में लास्ट मीरामर ऑफ पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं, लास्ट 5 टीम्स 15 प्लेयर बचे हैं एंड वी आर डाउन टू द 5th सर्कल एंड बहुत ही इंटेंस टीम है। फ्रॉम द टॉप 5 इनफैक्ट 6-7 टीम्स में ओनली बीटीआर इज सर्वाइविंग। क्या बीटीआर इस गेम में अपना लीड ले पाएगी या हमारी इंडिया की शान ऑरेंज रॉक विल कंटिन्यू देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड? बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता है, देखते किस तरीके से अपना 22nd मैच कंटिन्यू करेंगे विद दैट ग्राइंड। बट अभी 267 पॉइंट है, आरआरक्यू अथीना भी एलिमिनेट हो चुके, उसके चलते वो थोड़ा सा सेफ फील करेंगे बिकॉज सेकंड से कोई टीम उनके आगे नहीं जाएगी, क्या पता थर्ड पे जो टीम है वो एक पुश देखने को मिले उनके द्वारा। बट आरसीएस का स्क्वाड, उनके पास एक कंपाउंड है, वेल्डनेस के पास एक बहुत ही बढ़िया रेंज है, बट बीटीआर का स्क्वाड इस मीरामर मैप में क्या वापस रिटेलिएट कर सकता है? डीएमआर जरूर है सक्सी के पास, राइजन के ग्रेनेड्स आज बोल रहे हैं, 6 किल्स है उनके पास। टीम सिनर्जी अभी भी 8 किल्स के साथ इस वाले मैच को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। 3 प्लेयर्स हैं उनके पास, इकलौता ऐसा स्क्वाड है किंग ऑफ गेमर क्लब जिनका 6 किल और चारों प्लेयर्स जिंदा है, यूरली पूरा फिनिश करेंगे। टीम सिनर्जी के टेट को राइजन मल्टीपल ग्रेनेड्स फेंकेंगे आगे, बट मार्टिन और गोडार्ड बहुत ज्यादा दूर है, कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे विद दैट कार बस डाउन एंड कार बस डाउन, ब्रागा अपने आप को ही फिनिश कर देंगे। बट ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता हुआ नजर आ रहा है केओजी के द्वारा। और रेड स्कारलेट के प्लेयर्स यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव रख रखे हैं, बट बीटीआर के 3 धुरंधर अभी भी जिंदा, 6 किल्स इन्होंने ले रखा है अभी सर्कल के अंदर, एक अच्छा पोजीशन भी इन्होंने ले रखा है। नॉर्दर्न साइड टनल विजन पूरा आगे की तरफ है, रेड स्कारलेट के साथ अभी फाइट लेने आ चुके हैं बीटीआर के प्लेयर्स। रेड स्कारलेट की जो मोरल है वो काफी ज्यादा डाउन है, अगर इनको पता चला उनकी पोजीशनिंग का है उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। केओजी के आखिरी प्लेयर आई थिंक सर्वाइव कर रहे हैं सूप 77, वाल्डस की पूरी स्क्वाड जिंदा है, तो फाइनल फाइट आई गेस हम लोगों को बीटीआर वर्सेस वाल्डस की भी देखने को मिल सकती है। सिनर्जी के प्लेयर्स भी सर्कल के अंदर क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं, बीटीआर के तीनों प्लेयर्स एक साथ एक जोड़ा फिलहाल खेल रहे हैं, बट वाल्डस के मार्टिन ने यहां पे सिनर्जी के ऑस्टिन को स्पॉट कर दिया, स्प्रे लिया है, बेयरली 1 एचपी पे उनको छोड़ा है। बिल्कुल, छठा जोन हमारा क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है, 24 मिनट ऑलरेडी, बट आखिरी में क्या एक वो बुलेट लगी है मैचिक पिक्सल में, वहां पे ऑस्टिन बॉटेक सर्वाइव कर रहे हैं, श्राइडर जोन के बाहर से आने की कोशिश
पनिश करेंगे, मल्टीपल 23 23 23 का डैमेज पड़ेगा, बट आखिरी में गोडार्ड एक बुलेट और कनेक्ट करेंगे। बट लेफ्ट साइड में क्यूओजी के प्लेयर भी जिंदा है, देखते वो भी इनको नॉकडाउन करने की कोशिश, बिकॉज बहुत ज्यादा ओपन में आप खड़े होकर शॉट्स रन, एक हाई ग्राउंड है आपके पास, तो यू शुड बी हैविंग दैट इनिशियल कवर जो आपको बचा सके डिफरेंट एंगल्स। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आ चुके हैं लास्ट पास की, 11 प्लेयर यहाँ पे आरसीएस के रिजेक्ट कलर के एक प्यारा नेट पर, जक्सी से काफी ज्यादा दूर। यहाँ पे जक्सी ने एक रिवर्स मॉली करने की कोशिश की, पर उनको ये नहीं समझ आया तो पीछे वाले घर में जक्सी का मॉली कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे बीटीआर सर्वाइव करे, आरसीएस सर्वाइव करे, केओजी और एसजी के सिनर्जी के ऑस्टिन बॉटेक्स अभी भी अपने टीम के लिए होल्ड करते हुए, देखते हैं क्या यहाँ पे सिनर्जी टॉप थ्री टॉप टू की तरफ अपना रास्ता बना पाएगी, बिकॉज काफी मुश्किल होना है, काफी टीम्स 3-3 मैन के साथ अलाइव है। एंड अगर हम बात करें तो जोन ने जो शिफ्ट किया, आई थिंक इट्स कंप्लीटली इन फेवर ऑफ टीम सीक्रेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यहाँ पे बीटीआर वर्सेस आरसीएस काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है, वन ऑफ द टॉप रेटेड टीम्स वर्सेस फाइनल्स में जो टीम इतना अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वेब और यूराली 7 किल लेकर अपनी टीम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, एसजी के प्लेयर वहां पीछे से बहुत प्यार से होल्ड कर रहे हैं, बट आई थिंक यूराली ने थोड़ा सा मूवमेंट स्पॉट किया, ऑस्टिन ने यहां पे वेब को पिक ऑफ किया एंड यहां पे आरसीएस डाउन टू वन मैन। क्या इसके बाद बीटीआर पे पुश करेगी? यूराली ओपन में रिवाइव देने जा रहे थे बट वो तो पॉसिबल नहीं था, माइक्रोबाइन इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया आरसीएस को। यहां पे यूराली पे पुश हो सकता है कमिंग फ्रॉम बीटीआर, बट राइट नाउ अगर हम लोग ओके सो द जोन एल्डर की टीम के हाथ में है, यहाँ पे वीएल की टीम की अगर हम बात करें, थ्री मैन अलाइव, क्या उन लोग इस गेम को चिकन डिनर में कन्वर्ट कर सकते हैं या हमें कुछ एक एंटायरली डिफरेंट एंडिंग देखने को मिलेगा? फिक्सेस जक्सी को देखिए आप, यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट के काफी करीब जा चुके हैं, यहाँ पे किसी भी शेड उनको नॉक कर सकते हैं। यूरली यहाँ पे नीचे है बट इनको कोई भनक तक नहीं है, यहाँ पे बीटीआर के जक्सी आ रहे हैं, यूरली अकेले बचे, अभी देखते हैं सर्कल के अंदर क्या करेगी बीटीआर की स्क्वाड। यहाँ पे सूप 77 को स्पॉट कर दिया, उनको भी फिनिश कर चुके हैं, एक और स्क्वाड मिलता हुआ, 8 किल्स ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है बीटीआर की स्क्वाड। यूरली को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा बट जक्सी को पता है यूरली को सर्कल के अंदर आना है। ये एक फाइनल फाइट हम लोग को देखने को मिलेगी बीटीआर वर्सेस वाल्डिस, बट क्या रिजेक्ट स्कारलेट के यूरली कुछ कर पाएंगे या नहीं देखना वो पड़ेगा। बट यूरली ने माइक्रो बॉय को जरूर नॉक किया था बट माइक्रो बॉय का ग्रेनेड जाता हुआ यूरली को फिनिश कर चुका है, एक फाइनल मोड आ चुका है यहां पे बीटीआर वर्सेस वाल्डिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर के लिए वेल मोड आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है बट राइजन की हेल्थ इतनी नहीं है, फिर बाद में बचा हुआ काम करेगा प्ले जोन, एंड प्ले जोन के बाद हमारा यहाँ पे वाल्डर्स मर्डरर का स्क्वाड परफॉर्मेंस 5 किल अपने टीम के ले चुके हैं, 8 टीम 16 प्लेयर, एंड खुशखबरी है कि ओआर इज स्टिल सर्वाइविंग। बिल्कुल अभी तक के लिए ओआर सर्वाइव कर रही है, गैलेक्सी रिजल्ट्स का एलिमिनेशन हो चुका है। और बात करें सीडन की, उन्होंने जो पिलर ओपन किया था सिनर्जी को एलिमिनेट करके, वही ऑरेंज रॉक को मदद किया इस पाइनान के एरिया में घुसने के लिए, वहां से आगे फाइट ले रहे, लेकिन टी1 एक अलग ही रंग रूप में दिख रही है, 8 किल्स ऑलरेडी टी1 के पास आ चुके हैं और अब ये आगे मूव कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के सामने। देखिए टी1 के मिसाइल सीधा न्यूक्लियर वन के अंदर घुस चुके हैं, योनजन पीछे से आ रहे हैं लेकिन मिसाइल जिस घर के अंदर है उसी घर के ऊपर ऑरेंज रॉक के स्काउट यहां पर बैठे हुए, सेम एरिया पर फुटस्टेप जरूर आ चुके होंगे, वीरू और स्काउट है और T1 के ZZP योनजन मिसाइल सेडन आ चुके हैं, वीरू ने स्पॉट किया प्लेयर्स को, एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं, वीरू यहां पर अकेले अब स्काउट बचे इस पूरी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर, वो एक तरफ देख जरूर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश थी बट ऑरेंज रॉक के स्काउट भी यहां पर चले जाएंगे, 6th पोजीशन पर ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन अभी के लिए होता हुआ। बिल्कुल बट अभी फाइट ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन देखते किस तरीके से ओवरऑल स्टैंडिंग में नजर आएगा, बिकॉज बीटीआर का स्क्वाड अभी भी जिंदा है, वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बनाने के लिए रेडी है बट अभी एक प्लेयर मात्र जिंदा है, देखते किस तरीके से वो प्लेयर इस फाइट को आगे लेके जाएगा, वो है राइजन, डॉक्टर राइजन के नाम से जाने जाते हैं, मल्टीपल फर्स्ट एड उनके पास अगर हुई वापस से तो फाइनल सर्कल के क्लोज जा सकते हैं, फाइनल सर्कल तो है ही ऑलरेडी बट मैं बोल रहा हूं आखिरी सर्कल जो होता है हमारे मैच के एंड ये जोन के बाहर ऑलरेडी डॉक्टर राइजन हमारे वो सिरिंज डालते हुए नजर आ रहे हैं, फर्स्ट एड्स पॉप इन कर रहे हैं बट जोनाथन की फाइट जरूर रहेगी वहां पे आ रहा है क्योंकि D2E को बहुत ही प्यारी तरीके से फॉलो अप करा एंड नॉक करके हम देखते फिनिश कर पाएंगे बिकॉज बियर 11 सामने ही प्रोन डाउन है बट T1 का स्क्वाड पूरा जिंदा है, बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी दे आर स्ट्रॉन्ग इन दिस मैच बट अपने सिटी को क्या होल्ड कर पाएंगे कि नहीं। जिस तरह से इन्होंने खेला यहाँ पे जोनाथन ने काफी यू नो डिफरेंट गेम प्ले दिखाया, एसजी की टीम भी यहाँ पे सर्वाइव करी है, 3 प्लेयर 6 किल अपने खाते में लिख चुके हैं, बीटीआर की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, ओआर ने खराब नहीं खेला, दे अल्टीमेटली मेड इट टू द टॉप 6, 6 पोजीशन पॉइंट अपने टीम के लेके जाएंगे विच इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पर यहाँ पे एसजी वर्सेस टी1 वर्सेस टीएसएम यहाँ पे पुश कर रहे हैं टी1 के प्लेयर जॉनी पे, क्या जॉनी यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे? बियर 11 तो पिकअप करना बहुत जरूरी है, एसजीपी के सामने से निकल गए, आरआरक्यू कुड नॉट गो डाउन, जॉनी कमिंग अप विद अनदर नॉट, T1 के जीजीपी
फाइनली ही गोज डाउन एंड बीटीआर गेट्स एलिमिनेटेड विद जस्ट वन किल। यहां पे 7 पॉइंट शायद कुछ मिला होगा बीटीआर को। टीएसएम आल्सो गोज डाउन राइट नाउ। वी हैव एसजी वर्सेस आरआरक्यू वर्सेस टी1 पर एसजी की टीम सरवाइव कर रही है। स्ट्राइडर वहां पे पिकअप करने की कोशिश, स्ट्राइडर एसजी डाउन टू 2 मैन, 7 किल ले चुके हैं। 2v आई थिंक 3v का फाइट है यहां पे। जीप्स में सिर्फ योनजुन बचे टी1 से। क्या सिनर्जी यहां पे चिकन लेयर लेके जा पाएगी? विल इट बी अ गुड स्वान सॉन्ग फॉर सिनर्जी? दो प्लेयर यहां पे पुश कर रहे हैं, वहां पे योनजुन होल्ड कर रहे हैं। ऑस्टिन बॉटेक्स यहां पे अर्ली फ्री फायर लेने की कोशिश। यहां पे 1v1 का फाइट, ऑस्टिन गोज डाउन एंड यहां पे टेड पे पूरा प्रेशर आते हुए हील करेंगे। लेवल 1 का वेस्टर, लेवल 2 का हेलमेट, यहां पे एक नेट कुक कर रहे हैं। दिस नेट कुड बी द एंड ऑफ दैट, बट नो, सिनर्जी कम्स अप विद अ चिकन डिनर इन द पेनल्टीमेट गेम ऑफ PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट लीग फाइनल्स। एंड बहुत ही शानदार गेम बाय सिनर्जी, मजा आ गया। फाइनली इंडियन टीम अनदर इंडियन टीम, लेकिन टी1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करेंगे? क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है, 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है। और ऑरेंज जॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है। और वीरू को यहां पर डाउन किया, टी1 के ZZP का ग्रेनेड आता हुआ, बॉक्स ही हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक गेट्स एलिमिनेटेड ऑन द 7th पोजीशन इन दिस वन। That sets it quite up because BTR भी वहाँ पर eliminate हो गई है, but then उनका live ranking के हिसाब से points है 287 and Orange Rock is at 278 getting that second position, but that was a very harsh thing on Orange Rock। उनके पास zone था बहुत देर तक, but T1 ने वो एक दो grenades जो उन्होंने dale that costed Orange Rock a lot, but right now we can see ki kaun si baki team hai, kaun si team hai jo chicken dinner hamare liye nikal sakti hai। ab जरूर देखना पड़ेगा। बॉक्स के प्लेयर्स फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे 12 किल्स निकाल चुके हैं। नियो यहाँ पे नॉक होके पड़े और ऑरेंज रॉक की एलिमिनेशन के साथ 10 लाख दिलों भी यहाँ पे धड़कने जो है काइंड ऑफ टूट सी गई है। बट बॉक्स के प्लेयर्स अभी भी बरकरार बरकरार चाहते हैं अपना स्प्रे। नियो को ऑलमोस्ट फिनिश करते करते रह गए। क्लच कॉर्ड यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट को किसी भी प्रकार रिवाइव देने की। TSM एंटिटी क्या ये चिकन डिनर निकाल पाएगी? सर्कल के सेंटर पे मौजूद है, T1 के प्लेयर्स भी ऊपर आ चुके हैं और एक बहुत संगीत मोड़ ले चुका है ये मैच। क्या ये गेम TSM के हाथ में जा सकता है? बॉक्स के प्लेयर जिंदा जरूर है, 247 पॉइंट्स उनके पास। क्या वो यू लेवल अप से ऊपर जा सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है TSM, क्या अगर एक अच्छा चिकन मिलता है तो 20 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, बाकी किल्स के पॉइंट्स वो बॉक्स के भी ऊपर जा सकते हैं। टॉप 5 में क्या TSM घुस पाएगी? अच्छे खासे किल्स निकाल करके हम जरूर देखना चाहेंगे। RCS के लूपर डाउन चुके T1 के योनजुन के द्वारा और योनजुन ने फिनिश भी कर लिया। इमेजिन कीजिए अगर उन्होंने पहले फाइट ली होती तो ऑरेंज जॉक यहां पर अपने आप को जिंदा देख रही होती, बिकॉज तब इनके ऊपर RCS के प्लेयर जरूर प्रेशर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। के बहुत सा देना चाहेंगे एक एरिया से। T1 के स्टेड इनके सामने, RCS के सेरा जरूर है, शॉट्स नहीं कुछ है, डाउन अभी तक नहीं किया, बट डैमेज बहुत ही ज्यादा दे दिया था इस पूरी फाइटिंग सिचुएशन में। और यहां पर RCS के प्लेयर्स भी डाउन हो चुके हैं, 3 टीमें बचती हैं, 10 लोग जीवित। द गेम आई गेस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है ये वाला। ओनली 24 मिनट्स हुए हैं इस गेम में। जैसे कि मैंने कहा था, ऑल आउट अटैक होने वाला है, इसमें सारे टीम्स फैल फैल के किल्स उठाने वाली है। रोटेशन बहुत कम देखने मिला हमें इस गेम में, बस टीम्स फाइट लेते लेते ही जोन में घुसी है। एंड देयर यू कैन सी देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे TSM एंटिटी एक प्यारा सा चिकन डिनर निकाल देंगे नेक्स्ट जोन। एक तरीके से ये चीज हमें फाइनली बता देगा कि अगर ये जोन TSM की तरफ बनता है तो आई एम प्रीटी श्योर एडवांटेज होता हुआ। मैन एडवांटेज बॉक्स के पास बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। T1 वर्सेस बॉक्स वर्सेस एंटिटी। और T1 के प्लेयर्स के पास हाई ग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल उठाते हुए फायदा उठा रहे T1 के। योनजुन यहाँ पे बॉक्स के साथ भी डील कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पे ZZP's TSM एंटिटी के साथ भी डील कर रहे हैं। T1 कुछ अलग ही रंग में चल रही है यहाँ पे, ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है। बट जॉनथन का ग्रेनेड आता हुआ, सेडन हो चुके हैं डाउन, दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, देखते क्या होता है। बट योनजुन ने ब्रेक को नॉक किया, जॉनथन का दूसरा ग्रेनेड भी ZZP को लेके जाता हुआ। इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर। बॉक्स वर्सेस TSM एंटिटी, यहाँ पर एक फाइट चल रही है। बॉक्स के पास एक प्लेयर डाउन है, लेकिन उसको रिवाइवल मिल जाएगा। 14 किल्स है बॉक्स के पास, 8 किल्स यहाँ पर TSM एंटिटी के पास है। लेकिन आप देखिए ग्रेनेड के द्वारा यहाँ पर वापस लुई को डाउन किया, ह्यूगा वहां पर आगे स्मोक करना चाहते हैं, लेकिन जॉनथन जो इस एरिया के अंदर, जॉनथन और क्लच गॉड, इन दो की जोड़ी 2v4 क्या यहाँ पर कर पाएगी? लुई को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है, अब रिवाइवल की शुरुआत होगी। जॉनथन आगे मोलोटॉव कर रहे हैं, बट ये दो प्लेयर्स पूरा भार यहाँ पर, जो 10 लाख दिल जो अभी अभी टूटे थे उनका यहाँ पर भार लेकर जाएंगे। जॉनथन बचे हैं, क्लच गॉड बचे हैं और बॉक्स के प्लेयर्स है, किल्स बॉक्स के पास ज्यादा है।
नंबर्स बॉक्स के पास ज्यादा है, बट जो हमारी यहाँ पर आकांक्षाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, वो सारी जोनाथन और क्लच गॉड के कंधों पर आ जाती है। ब्रेकिंग एरिया से स्पॉट कर सकते हैं, क्लच गॉड उस एरिया पर बैठे हुए, ह्यूगा अपने आप को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड रख रहे हैं, दो प्लेयर्स बीच में, एक प्लेयर साइड में, एक प्लेयर साइड में, लेकिन स्पॉट हो जाएंगे यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। एक प्लेयर डाउन हो चुका है, टू वर्सेस थ्री का सिचुएशन यहाँ पर क्लच गॉड कर चुके हैं एडब्ल्यू में उनके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M4 ही काम में आएगी। बैकपैक हटाया जा चुका है, गोलियां कैलकुलेट करके ही लेकर जानी पड़ेंगी, लेकिन जो सर्कल, अगर हम सर्कल देखें, सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है, बाकी सारे प्लेयर्स बॉक्स के सर्कल में, पिवे खासकर सर्कल के बीच में बैठे हुए। लू एक एरिया पर है, ब्रेक को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस पूरी सिचुएशन में। जाता जोनाथन और क्लच गॉड अभी बैठे हुए, कुछ ही स्मोक्स बचेंगे बॉक्स के प्लेयर्स के पास, उनका यूटिलाइजेशन यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आखिरी स्मोक्स रहेंगे आपको कवर्स बनाने के लिए। सातवां जोन है, जो भी बहुत जल्दी मैच शुरू खत्म होने वाला था, वो मैच अब 3 मिनट और आगे खिंच चुका है। साइड में बॉक्स के ह्यूगा जरूर बैठे, हम बोल रहे थे एक नया प्लेयर आया है, वो नया एडिशन यहां पर बॉक्स को बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जोनाथन बिल्कुल सामने है, ही इज काइंड ऑफ स्पॉटेड, बट अभी भी किसी ने शॉट्स नहीं चलाए हैं। एग्जैक्टली, एंड यहां पर देखते हैं कि ये 2 vs 4 सिचुएशन में क्या टीएसएम एंट जीत पाएगी, क्या इन ये लोग यहाँ क्लच कर पाएंगे। ब्रेक ने अभी तक हील भी नहीं किया है खुद को, बट टू प्लेयर्स, दो प्लेयर एक एक बार डाउन कर चुके हैं। लुई ने वहां पे हल्का सा फ्लैंक मारा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देगा फॉर जोनाथन। अगर जोनाथन को नहीं पता होगा उसके बारे में, स्टिल यूजिंग यूटिलिटीज, अभी भी स्मोक्स कर रहे हैं वो लोग। टोटल स्नेक गेम, द जोन जो जहां तक मुझे दिख रहा है जोनाथन जोन के अंदर है, एंड क्लच गॉड अगर बैक स्टैप करते तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज जोनाथन क्रॉस एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है, जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था। एंड यहां पर एक ट्रेड लेते हुए, बट it's gonna be very difficult because Jonathan, yes, there you go, ultimately Box have come up with a chicken dinner, a very difficult situation there, but Jonathan, what a performance, 6 kills over there, and Box ye bhi kuch players ne 6 kill hi nikala ek player ne. Overall it was an amazing game, the game ended quickly, but then maza aa gaya ye game mein. I hope kuch aur dekhne milta hame, lekin unfortunately there are BMWL East champion. Oh my God, what an amazing game यहाँ पर जो देखने को मिला। BTR का स्क्वाड एलिमिनेट थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जो हमारे चैंपियन स्क्वाड थी लास्ट टाइम से अपने आप को ऊपर लेकर आते हुए, 2-time चैंपियन यहाँ पर बनते हुए, अगर हम बात करें पिछली